अरे विराट, 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 विराट कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे इसे क्या हो गया? अभी तो खुश था, होली खेल रहा था, क्या हो गया इसे? और आखिर तुम दूर किन लोगों से जा रहे हो? अपनी उस माँ से जिसने तुम्हें जन्म दिया, या फिर अपने उस परिवार से जिसने तुम्हारी इतनी परवरिश की, इतना लाड़ प्यार देके तुम्हें इतना बड़ा बना? अरे तुम्हारे भाई तो असली में राम जैसे हैं। हेलो, अरे विराट, सॉरी आज होली के दिन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर एक खास काम था। जी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ सकते हो? क्यों, मैं 10-15 मिनट में पहुंचते हैं। गुड, सी यू। एक मुसीबत हो तब तो उधर विराट उठकर चला गया, और इधर तेरे ये गुंडे पता नहीं कब आ धमकेंगे। कुछ सही नहीं हो रहा मन्नू। दीप, मैं उन्हें ही फोन करने की ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन अनअवेलेबल आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। थी वीरेन वडेरा की जान नहीं जानी चाहिए, समझे? ओके बॉस, आप टेंशन मत लो। कैसे हो विराट? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? तुम सोच रहे होगे कि आज होली के दिन मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो। मैं अपने नए म्यूजिक एल्बम के लिए तुम्हें बतौर सिंगर साइन करना चाहता हूँ, और इसके लिए ये 1,00,000 रुपया एडवांस। अरे तुम ये मत सोचो कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज में वो जादू है विराट, और तुम्हारी कैलिबर तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगी, और मुझे फख्र है मेरी म्यूजिक कंपनी तुम्हारे जैसी टैलेंट को लॉन्च कर रही है। आज होली है, मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। एक्चुअली तो मैं भी आज ऑफिस इस शुभ काम के लिए आया हूँ, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आज से अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये पेपर जल्दी साइन करो। थैंक यू सो मच। ओप्स, सॉरी। कोई बात नहीं विराट, आज होली है, और होली के दिन रंग और गुलाल से क्या परहेज। चलो ये पेपर पे जल्दी साइन करो। अब ये लो तुम्हारा एडवांस और जल्दी घर जाओ, आज अपने फैमिली के साथ जश्न मनाने का दिन है। आज मेरी 1 महीने में 1,00,000 रुपए कमाने की शर्त पूरी हो गई। उफ़, ये कब से इसे फोन ट्राई कर रही हूँ, अनरीचेबल ही आ रहा है। गुंडा मवाली कहीं का। अरे तुम दोनों अकेले क्यों खड़े हो? और वो विराट, वो इतना नाराज होके कहाँ गया? क्या हुआ उसे? बीजी, वो मेरे साथ ही कुछ खिटपिट हो गई, इसलिए चला गया नाराज होके। आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, कहीं दूर नहीं गया। दी चलिए ना, बाहर चलते हैं। हाँ चल। हाँ बेटा, आज होली का दिन है, इस तरह घर में नहीं बैठते हैं। बाहर सब आए हुए हैं ना, उनके साथ जाके होली खेलो। मैं 2 मिनट में आती हूँ। दी जल्दी से चलते बाहर। अब उन गुंडों को ना रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम उन पर नजर बनाए रखेंगे, और जहां भी दिखेंगे उनको वहीं से वहीं बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हाँ मनु, चल। बुआ जी, अब वो क्या है ना, मैंने तो आपको रंग लगाया ही नहीं, अब क्या पता आपके साथ होली खेलने का मौका अब कब मिले, है ना? अब बतो। जी
आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हम तुमसे नाराज क्यों होंगे? बस ये रंग वंग के साथ हमारा खेलने का मन नहीं है। प्लीज बुआ जी, आप नाराज मत होइए। मैं तो बस आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके पीछे पड़ी हूँ। बुआ जी, कहाँ गए? बुआ जी, अरे मुझे इन्हें इम्प्रेस करना था बुआ जी। हैप्पी होली। क्या हैप्पी होली? बुआ जी, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं हुई जी। हम चलो ठीक है, आ जाओ। आते वो रहा वीरेन वडेरा। मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, मेरा फोन पकड़ो ना। हाँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे गुड़, रुको रुको, तुम लोगों को रंजीत भाई ने भेजा ना? अरे क्या फालतू बॉस है तुम्हारा, कब से फोन करे जा रही हो? अनरीचेबल ला रहा है। अब देखो, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि प्लान में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? पूरा ही कैंसिल हो चुका है। अब आप लोगों को किसी की भी पिटाई विटाई कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो अब बेहतर यही है तुम यहाँ से कट लो। हाँ, और अपने बॉस से जाके कहना कि मैं थक चुकी हूँ और पक चुकी हूँ उसे फोन कर करके, ठीक है? तो अभी अभी निकलो यहाँ से और अपने बीवी बच्चों और गर्लफ्रेंड जो भी है सबके साथ होली मनाओ। हाँ, जाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, निकलो ना यहाँ से। होली वाले दिन होली नहीं मनाओगे तो क्या पटाखे छोड़ोगे? अरे मनु, कहाँ चली गई तू? दी आ रही हूँ बस। अरे जाओ ना, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। लगता है ये लड़की ने कुछ ज्यादा ही भांग चढ़ा रखी है। छोड़ो यार इसको, अपन अपना काम करते हैं। दी, दी। भगा दिया मैंने गुंडों को, वो आए थे, मैंने बाहर से भारी रवाना कर दिया। थैंक गॉड, अब मनु फिर से ऐसी बचकानी हरकत मत करना कभी। तुझे पता तेरी नादानी की वजह से आज क्या हो जाता। एनीवे, मुझे वीरेन जी बुला रहे थे, मैं उनके पास जाती हूँ। ठीक है। ये लो, अब आया रंजीत भाई का फोन। हाँ, जब मैंने इसके गुंडों को वापस भेज दिया होगा ना, तभी इसके दिमाग की घंटी बजी होगी। जरूर दूंगी तुम्हें अभी पैसे। हेलो, हाँ रंजीत भाई। सॉरी, मेरे आदमी वहाँ आने में थोड़े लेट हो गए हैं, बस वो निकल ही रहे हैं थोड़ी देर में। क्या? हेलो, रात की पार्टी की उतरी नहीं है क्या? अभी तुम्हारे आदमी आए थे और मैं उन्हें अभी वापस भेज के आ रही हूँ। क्या? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, आपने किसी और को देखा होगा। तूने तो कहा कि तूने गुंडे वापस भेजे थे, तो ये लोग कौन है? ये वो गुंडे नहीं है जिन्हें मैंने हैक किया, ये असली गुंडे नहीं। मुझे नहीं पता किसे भेजे। चल 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 चल
मेरे पैसे दे। छोड़ दे, छोड़, छोड़, छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, छोड़। किसने भेजा है तुम्हें? कौन है तुम्हारा बॉस? डीके साहब ने भेजा था ये वीरेन को मारने के लिए। वीरेन जी आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही डीके को गिरफ्तार कर लेंगे। चलो ले चलो इनको, चलो ले जाइए। आपको याद है बचपन में जब फुटबॉल मैच हुआ था और हमारी टीम जीत गई थी तो ऑपोजिट टीम के सीनियर्स ने खुंदक निकालने के लिए मेरी बहुत धुलाई की थी। फिर आप आए थे और आपने सारे सीनियर्स की धुलाई की थी। आज उसका बदला पूरा होता क्योंकि मैंने अकेले चार चार लोगों को धोया है। विराज शायद तो भूल रहे, मैं आज भी तेरा बड़ा भाई। अगर तूने चार को मारा तो पांच को तो मैंने धोया है। नहीं, आज ज्यादा हाथ मेरे चल रहे थे। तू कहकर मैं मान जाऊंगा ना, जैसे कि तू हमेशा सही होता है। मैं हमेशा गलत भी नहीं होता।
सॉरी भाई, मैंने आपका बहुत दिल दुखा है। मुझे माफ कर दो। नहीं विराट, कैसी बात कर रहा है? दिल तो मैंने भी तेरा बहुत दुखा है, बस छोड़ना यार, जो गया उसे भूल जा। और ये रही तेरी पहली कमाई, इसे संभाल के रखना। नहीं भाई, मेरी पहली कमाई पे सिर्फ आपका हक है। जो गलती मैंने की है, मैं उसके माफी के काबिल भी नहीं। विराट देख, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, बस वही काफी है। पिछले कुछ दिनों में ना बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन देखिए, तेरी जिंदगी का तजुर्बा है, तेरी जिंदगी की सीख है, इसे भूलना मत मेरे भाई, और नेगेटिवली बिल्कुल मत सोचना। सीख तो मुझे ऐसी मिली है, चाहे मेरी जान भी चली जाए ना, लेकिन तब भी आपके बारे में एक गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मैं आप जैसे भाई के साथ बहुत गलत किया। तुझसे मैंने अभी क्या कहा कि अपनी जिंदगी में अब तू सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव कुछ नहीं सोचेगा। और तू कभी ये मत सोचना तूने किसी के साथ कुछ बुरा किया है। लेकिन भाई एक शर्त। क्या? आप प्रॉमिस करो कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी रास्ता फिर से भटक भी जाओ ना, आप मुझे सही राह दिखाओ। अगर मैं गलत भी हूं ना, आप मेरे कान पकड़ के मुझे वापस लेकर आओ। तू कैसी बात कर रहा? विराट, मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, तेरा भाई हूं, तुझे बात मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देख, जिंदगी में तुझे मेरी जब जरूरत पड़ेगी ना, तू मुझे अपने साथ नहीं अपने सामने पाएगा। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।